की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर दिल्ली सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान। आपको बता दें कि उत्तराखंड के सीएम चेहरे का ऐलान इस वक्त कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको उत्तराखंड से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा ऐलान देखने को मिला है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के सीएम चेहरे का ऐलान कर दिया गया है। कर्नल कोठियाल होंगे आपके सीएम उम्मीदवार, ये उत्तराखंड के लोगों का फैसला है। ये सेंटेंस अरविंद केजरीवाल का कहना है। आपको बता दें कि उत्तराखंड से इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान देखने को मिला है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के सीएम चेहरे का आपने ऐलान कर दिया है। कर्नल कोठियाल को आप सीएम उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता दें कि 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान देखने को मिला है, जहां उत्तराखंड के सीएम उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि कर्नल कोठियाल को आपके सीएम उम्मीदवार को चुना गया है। वहीं केजरीवाल ने कहा है कि उत्तराखंड के लोगों का फैसला है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां आगामी चुनाव के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान देखने को मिला है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के सीएम पद उम्मीदवार का चेहरा इस वक्त घोषित किया जा चुका है, जहाँ कर्नल कोठियाल को आपके सीएम उम्मीदवार घोषित किया गया है। ये पूरी जानकारी अरविंद केजरीवाल ने दी है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको उत्तराखंड से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां पर 2022 विधानसभा चुनाव से पहले आप पार्टी का बड़ा ऐलान देखने को मिला है, जहां पर उत्तराखंड में आप पार्टी ने सीएम उम्मीदवार के चेहरे की घोषणा कर दी है। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शहबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो शहबाज, जिस तरह से उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में आम आदमी पार्टी ने सीएम उम्मीदवार के चेहरे की घोषणा कर दी है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल अनुष्का, बताना चाहूंगी, काफी दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो आम आदमी पार्टी जो है सामने लाने वाली है, और अब उन्होंने अजय कोठियाल को एक बार फिर से एक बार उन्होंने सामने ला दिया है और मुख्यमंत्री चेहरा जो है वो पेश कर दिया है बतौर मुख्यमंत्री। और इस नाम पर काफी दिन से अटकलें तेज भी थी कि हो सकता है इनको काफी जिम्मेदारी मिल सकती है मुख्यमंत्री पद की, मुख्यमंत्री का जो है चेहरा हो सकते हैं। तो इन तमाम कयासों के बाद आज अरविंद केजरीवाल ने वहां पहुंचकर इन सारे कयासों पर मुहर लगा दी है, और अब उत्तराखंड में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की जो पकड़ देखी जा रही है वो कहीं ना कहीं काफी तेजी से आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में लगातार अपने पैर पसार रही है, लगातार आयोजन कर रही है, और अजय कोठियाल जो जिनको मुख्यमंत्री की जो जिम्मेदारी दी गई है, मुख्यमंत्री चेहरा जो बनाया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो काफी दिनों से सभाएं और लगातार लोगों से बात कर रहे थे और एक आयोजन कर रहे थे आम आदमी पार्टी से लोगों को जोड़ने का। तो जी अनुष्का, आज जिस तरह से उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी हुई है, ऐसे में सीएम पद के लिए कर्नल कोठियाल का नाम देना, क्या कुछ लगता है कि कर्नल कोठियाल से आप पार्टी को क्या कुछ फायदा इससे मिलने वाला है? जी बिल्कुल अनुष्का, क्योंकि जिस तरीके से कर्नल कोठियाल का जो नाम था वो काफी सक्रिय नाम माना जा रहा था आम आदमी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री चेहरे की अगर बात करें, और ये जो है काफी नामी चेहरा है अगर उत्तराखंड की बात करी जाए, और इससे काफी कुछ फायदा देखने को मिल सकता है, और साथ ही साथ जिस मॉडल के तहत जो काम कर रही है आम आदमी पार्टी, उसी मॉडल के साथ वो उत्तराखंड पहुंची है, और अरविंद केजरीवाल लगातार देहरादून के या उत्तराखंड के जो दौरे पर हैं वो रहने वाले हैं, और उन्होंने साफ तौर पे जाहिर भी कर दिया है, क्योंकि जब पिछले महीने जब वो उत्तराखंड के दौरे पे थे उन्होंने कहा बहुत जल्द ही एक बार फिर आना होगा, और एक बार फिर वो आए भी, और उन्होंने वहां पर 300 यूनिट फ्री बिजली का भी ऐलान किया था। उसके बाद उसी ऐलान करने के बाद उन्होंने कहा था कि जल्द एक बार फिर उत्तराखंड आऊंगा और नई परियोजनाओं का जो है वो ऐलान कर सकूंगा। तो इस तरीके का ये जो आज उन्होंने ऐलान किया है, अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्षी के रूप में भाजपा के सामने आती है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद शहबाज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड से इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आप पार्टी का एक बड़ा ऐलान देखने को मिला है, जहां दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड के सीएम चेहरे का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि कर्नल कोठारी को इस वक्त सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है।